शीट नंबर 77 के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सा डाउट है? फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल बेंच. ऑप्टिकल बेंच ऑप्टिक्स का फिनोमेना है जो डिस्प्लेसमेंट मेथड करता है. तो वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट और रियल इमेज में डिस्टेंस 80 है, अब तो 100% ये 4F है. अभी क्या डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का? 4F, या से F आ गया. अब अगर F आ गया फिर शुरू करो अपना न्यूमेरिकल. U पता है, F पता है, वहां से V निकाल देना, आंसर आ गया. क्लियर है यहां तक? इससे पहले और कोई? 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ U पता है, कन्वेक्स लेंस इज, बीच में कन्वेक्स लेंस डाल दिया, और मैग्निफिकेशन 4 है. तो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? अ स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन है तो रियल इमेज है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव से आंसर आ गया. नाइन्थ क्वेश्चन, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी. इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय कन्वेक्स लेंस फॉर टू डिफरेंट लोकेशन, यू की दो वैल्यूज आएंगे. डिस्प्लेसमेंट मेथड एक गारंटी है, क्योंकि यू का दो पोजीशन का मतलब ही डिस्प्लेसमेंट मेथड है. और एनसीईआरटी में आए हुए, और वो दो पोजीशन के बीच में एक्स क्या है? 20. याद है अभी फॉर्मूला लिखवाया था, एक्स 20 है, डी पता है, एक मिनट में आंसर क्लोज. हाँ ये वही है, कॉन्जुगेट वाला ही है. हाँ वैसे भी कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम कॉन्जुगेट लेंसेज वाला किया था, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन था ना कि दो कॉन्जुगेट पोजिशन हैं ऑब्जेक्ट लेंस की, वो बिना डिस्प्लेसमेंट मेथड के था. उसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ. मतलब अगर एक लाइन में करना है तो ये फॉर्मूला, नहीं तो फिर करते रहो एक्स वाला फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 12, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है स्क्रीन का वो 30 है. कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस. देखो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी से आ रही हैं, और इमेज को कहाँ बना रहा है? यहाँ पे बना रहा है. लेकिन ये जो कनकेव है इसको क्या मान रहा है? इमेज ऑब्जेक्ट, और इमेज स्क्रीन पे बना रहा है. तो कनकेव के लिए इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? प्लस 10, और इमेज का डिस्टेंस कितना है? प्लस 30. डायग्राम से दिख रहा है, डायग्राम से यू कितना है? प्लस 10, वी कितना है? प्लस 30. लगा लो लेंस फॉर्मूला, आंसर एफ आ गया. डायग्राम से पता लग रहा है ना कि कन्वेक्स की बनाई हुई इमेज कनकेव उसको ऑब्जेक्ट मान रहा है. नेक्स्ट 13th में वो कह रहे हैं कि इस ये केस गिवन है फोकल लेंथ ऑफ, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस. देखो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी इमेज है. तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इस लेंस का ऑब्जेक्ट है. अब ये जो इमेज बनेगी वो इसकी फोकल लेंथ पे बननी चाहिए, तभी तो रेस कहाँ पर जा रही है? एट इन्फिनिटी. और इसकी फोकल लेंथ का मतलब कि ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, यही इसकी फोकल लेंथ है. सिंपल है. तो मैं काम करता हूँ, पहले ना यहाँ से लेता हूँ ऑब्जेक्ट. मैंने ओ पॉइंट पे लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मैंने ओ पे लिया, और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? 15 नहीं गिवन, मिसिंग है. हाँ मिसिंग है. यू लो 15 लो, यहाँ 15 सेंटीमीटर करो, अब आएगा. यू 15 लेके पहले वी निकालना होगा. वी जो निकलेगा वो 36 आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ 36 आएगा. 36 में से 16 माइनस करके 20 आएगा, अब आंसर आएगा. बी सी आंसर है वैसे. नेक्स्ट डाउट, यहाँ पे इसके लिए यू माइनस 15 है, आप वी निकाल लो. तो जब तुम इसका वी निकालोगे तो वी तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 60. माइनस 60 का मतलब ये रहा. अब इस लेंस के लिए ये माइनस 60 है 20, तो ये कितना हुआ? माइनस 80. तो लगा लेना फोकल लेंथ का फॉर्मूला, वी आ जाएगा. मतलब डायग्राम से मत जाना, न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही बात बनेगी, नहीं तो बन नहीं सकती.